तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। अब ये दरवाजा आपने देखे थे फाइनल हो चुका है, अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है। ये पूरी तरह से फाइनल जब होगा जबकि हम इस पे जाली पे पेंट मारेंगे। तो सबसे पहले हमने जाली का क्या देखना, जाली की कंडीशन जो है वो साफ पड़ी है, कहीं कहीं पे मिट्टी सिट्टी है, तो उसको क्या करना, अच्छी तरह से हमने तार का ब्रश मारना जैसे ये है, ये इस तरह से साफ करना, अच्छी तरह से करना है, मिट्टी नहीं छोड़नी है। अगर मिट्टी थोड़ी सी भी अगर आपने छोड़ दी तो उस पर क्या होगा कि ये वाली जो चीज़ है ना आपकी एक कोट में नहीं कवर आएगी, फिर आपको दो दो कोट लगाने पड़ेंगे और जो पैंट है हमारा ब्लू उसकी पकड़ भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करेंगे इसकी सफाई जाल तार के ब्रश से, बढ़िया करके ब्रश से साफ़ करनी है, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे इस पर जो हमारा जाली वाला ब्लू इनेमल पैंट है। और जैसे कि इसके ये बंद हो जाते हैं तो इनको आप तार के ब्रश से, ये होता है तो इस तरह से आप खोल सकते हो इनको इस तरह से, या फिर कोई कील ले सकते हो आप इस तरह से, आपके ये खुल जाएंगे। और या फिर इसकी जगह आप कोई कील ले सकते हो, मजबूत सी कोई कील हो बारीक सी जो इसकी सुराख में फिट बैठ जाए, तो उससे आप ये सुराख जो है इसकी जाली के खोल सकते हो। तो सबसे पहले हम इसको साफ करते हैं। देखिए कितनी मिट्टी निकल रही है, मिट्टी काफ़ी सारी निकल रही है। जब इसको हम एक मारेंगे तार का ब्रश तो मिट्टी काफ़ी निकलेगी, और वो मिट्टी हमें निकालनी होती है जिससे कि पैंट की पकड़ अच्छी हो सके। हमने अच्छी तरह से इस पर ब्रश मार दिया है, ये पहले इस तरह मारो फिर उसके बाद इस तरह मार दो, मतलब डबल ब्रश मार के इसकी अच्छी तरह सफाई करो, दोनों तरह से साफ कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं इस पर हम ब्लू जाली वाला पैंट है हमारा, जो ब्लू आने वाला है उसको हम स्टार्ट करेंगे और किस तरह से उसको अप्लाई करना है। और आपको बताऊँगा कि जाली सामने से अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि पूरी जाली हो गई, और उसका तरीका बताऊँगा कि जाली कहीं छूटी तो नहीं है, किस तरह से आपको जाली चेक करनी है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास ये ब्लू पैंट है और मैंने अभी ये इसको खोला है ना, तो इसके अंदर से पैंट काफ़ी सारा निकल आया है। ये ब्लू पैंट है जाली वाला, तो इसको हम यूज़ करते हैं, कोई सी भी कंपनी आप यूज़ कर सकते हो, जो भी कंपनी आपको मिलती है। इनेमल ब्लू पैंट इनेमल होता है, जो दरवाजे या खिड़की पे हम यूज़ करते हैं इसको, या जाली पे यूज़ करते हैं, कहीं भी यूज़ कर सकते हो इसको। ये हमारा इसमें डाल दिया, अब इसमें तार पिन डालते हैं। तो इसके अंदर हमने पूरी डब्बी लौट दी है, पूरी डब्बी डाल दी, जो थोड़ा बचा था वो भी डाल दिया है। तो आपने गोल मटेरियल रखना, ज़्यादा पतला नहीं रखना और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखना, ज़्यादा गाढ़ा रखोगे तो अच्छी तरह से पकड़ नहीं होगी इसकी, हल्का पतला रखना है जिससे कि पकड़ भी मजबूत हो जाएगी और जो फिनिशिंग है वो भी अच्छी आएगी, और उससे सुराख भी बंद नहीं होंगे और कवरिंग भी अच्छी आएगी इसकी। तो चालू करते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी बहुत ज़्यादा लग रही है, और मैं इस पर क्योंकि दोपहर का समय है और ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, और मैं जल्दी इसको कवर करता हूँ। उतना ज़्यादा पसीना आ रहा है कि बहुत ज़्यादा, आज की धूप बहुत ज़्यादा तगड़ी है। ये देखिए, कभी भी ब्रश अगर आपका भरा हो, चाहे ये वाला पैंट का हो चाहे ये वाला हो, तो आपने ऊपर नहीं लगाना, डायरेक्टली बीच में लगाना जिससे कि आपको वो पैंट ऊपर नीचे खींच जाए। अगर ऊपर लगाओगे तो ऊपर का ऊपर ही खींच सकते हो, नीचे को नहीं खींच सकते। अगर यहाँ पे हम लगाते हैं जगह तो इसको ऊपर और नीचे खींच सकते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है। ये देखिए, जाली पैंट कभी भी ऐसे ऐसे करने से जो ऊपर ऊपर लगेगा, ये इस तरह से हम करेंगे ना, इस तरह से, ये देखिए, तो इससे क्या होता है ऊपर ऊपर का हिस्सा कवर हो जाता है, अंदर का रह जाता है। तो इसको अंदर का जो कवर करना होता है वो कैसे करना होता है, वो इस तरह करना होता है कवर। इसके जो आगे के जो ब्रश होता है ना, जो आगे का मुंह होता है, उसको अच्छी तरह से इस तरह से करना होता है जिससे कि अंदर तक इसका पैंट पहुंच जाए। ये देखिए, और अगर इस तरह से अगर ब्रश मारते हो आप तो उससे क्या होता है ऊपर ऊपर लग जाएगा। अभी इस तरह से हम मारेंगे ना तो इसके अंदर तक ये आगे का मुँह के जो बाल है वो अंदर तक घुस जाएंगे और अंदर तक ये जाली कवर हो जाएगी। अभी देख सकते हो जाली का जो मतलब इधर का और हिस्सा और इधर का हिस्सा देख सकते हो कितने खूबसूरत बन चुका है, और जाली पैंट अच्छी तरह से कवर हो रहा है। तो अभी क्या है कि दोबारा से मैं दिखाता हूँ आपको, डायरेक्टली इधर नहीं लगाना मैंने, बीच में लगाना है ये भरवा ब्रश। ये देखिए, अब मैंने यहाँ पर लगा लिया, ये अभी इधर ही रहेगा। अब जो खाली हल्का ब्रश हुआ है तो सेटों में कटिंग काट देंगे, इससे इस तरह से कटिंग काट देंगे। ये देखिए, अगर सेट में जो कटिंग काटते हैं हम, इससे क्या होता है कि हमारा जो इसके अंदर जो मटेरियल होता है वो एक्स्ट्रा बाहर नहीं जाता,
और जो जाली वो बंद होने के चांस होते हैं तो नहीं होते। अब ये वाला जो मटेरियल है इसको तो हम ऊपर नीचे खींच के जो जाली के अंदर भर चुका था तो वो खींच जाएगा, जो जाली बंद होने वाली थी वो सेट हो जाएगी। ये देखिए, अब जैसे कि अगर ये सेट में बाई चांस अगर ये आपके यहाँ पर लग जाता है, जैसे ये वाला, ये हो गया, ये वाली चीज लग जाता है, तो आपने क्या करना है, तारपिन में गीला कपड़ा करना है तारपिन के अंदर। तो वो मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए जैसे ये तारपिन है तो थोड़ा सा इसके अंदर आपको गीला करना है इस तरह से, ये गीला हो चुका है। और ये पल्ला आपको सूखने के बाद ही आपने पेंट करना है, ये नहीं कि ये गीला है आपका गोल्डन ब्राउन है ऊपर से आप ग्लू मार दो, ऐसा नहीं। तो इससे क्या होता है जहाँ कहीं पर लग भी जाता है आपका, अभी आप देख सकते हो कि ये वाली चीज़ है, तो इसको मैंने अभी थोड़ा इधर से मार लेता हूँ, फिर उसके बाद ऐसे कर लेता हूँ। ये देखिए अभी ये पूरा लग चुका है, ये मैंने लगाया है जानबूझ के। तो अब इसको क्या करना है, अगर सूखे कपड़े से पहुँचेंगे तो फिर भी ये थोड़ा बहुत फ़र्क वो देगा। ये देखिए थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं ये लाइट देखो यहाँ से और यहाँ तक फ़र्क पड़ गया पैंट में, ये और ये पहुँचने के बाद भी। अभी क्या है कि ये तारपिन वाला अगर मारते हैं तो अच्छी तरह से साफ हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए तारपिन वाला जैसे हमने मारा इसके अंदर कपड़ा, तो उससे क्या होता है कि सारा आपका जो पैंट इस पर लगा है वो अच्छी तरह से साफ हो जाता है, और जैसा आपका पैंट था पहला वैसे ही आपका पैंट दोबारा से हो जाएगा। ये देखिए अभी कहीं पे कोई डिफरेंट नहीं आया, कोई डिफरेंट नहीं आया, कलर में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि तारपिन के साथ साफ, मतलब तारपिन के कपड़े से साफ अच्छी तरह से हो गया है। तो अब फिलहाल में हम जाली करते हैं अपनी, जो था हमारा प्रोसेस वही करेंगे। जाली को हमेशा आपने इस तरह से घुमा घुमा के ही मारना है, इस तरह से पहले ऐसे लगा लो इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी जो पल्ले पे लगा सकते हो। उसके बाद इस तरह से आपको जाली में घुमाना पड़ेगा ब्रश, इस तरह से दोनों तरफ घुमा सकते हो, इस तरह से भी और इस तरह से भी, इससे कोई फ़र्क नहीं होता, जैसा आपका मन चाहता है वैसे आप इसे घुमा सकते हो। तो जाली करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, और बस करने की तरकीब जो है वो ठीक होनी चाहिए। अगर तकनीक जो होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि वो फ़िलहाल में जाली नहीं होती। और जाली करते समय आपने डरना नहीं है कि यार ये सन जाएगा पल्ला, ऐसा हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से बिंदास कर सकते हो, अगर सन जाएगा तो तारपिन से साफ़ कर सकते हो उसको। ये तो काफ़ी एरिया बड़ा है, काफ़ी जगह इतने इतने फिट के एरिए गैप होते हैं, जैसे ये लगे हुए चार चार खाने होते हैं इतने बड़े में, तो उसमें भी बड़े हाथ मुश्किल से चलता है। और एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, अगर जैसे आपके दीवार इसके पल्ले के पीछे अगर दीवार है तो दीवार पे या तो आप अखबार लगा लें या फिर पल्ले को आपको थोड़ा सा ऐसा हटा के इस तरह से तब पेंट करें, क्योंकि इसकी जो छींटे हैं वो आपकी दीवार पे जा सकती हैं, तो एक चीज़ को भी आपको कवर करना पड़ेगा। और दूसरा ये बाजी चांस अगर आपको लगता है कि यार जाली पल्ला मैं कर रहा हूँ और मुझे साफ से दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई भी आप काली चादर या काला कोई भी कपड़ा लेके आप इसकी बैक साइड डाल दें, इधर की साइड में ऊपर से नीचे के लिए ऐसे करके डालें, उससे क्या होगा कि आपकी जाली जहाँ जिस दर से भी आप देखोगे उधर से जाली दिखेगी और आपका जो काम है वो अच्छी तरह से हो जाएगा, कहीं भी जाली छूटेगी नहीं। तो ये तरकीबें होती हैं जाली करने की, क्योंकि जाली काफ़ी सारे पेंटर हैं वो क्या करते हैं इसी तरह से छोड़ देते हैं, और बाद में फिर चेक होता है, जाली चेक होती है तो उसमें जाली में काफ़ी सारी कमियाँ निकलती हैं, तो उससे काफ़ी दिक्कत आ जाती है। फिर दोबारा करो जाली के लिए तो उसमें क्या जाता है, माल भी हमारा ख़राब जाता है और जो लेबर है वो भी ख़राब जाती है। तो इससे बढ़िया है कि पहली बार में ही सोच समझ के अच्छा काम करो। थोड़ा सा हाथ को जरा अच्छी तरह से चलाना होता है इसमें, वो चीज़ को आपको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा। अब देखिए नीचे वाली जो लहर है इसमें काफ़ी सारी छींटे गिर चुकी हैं, अब इसको मैं तारपिन के कपड़े से ही साफ़ करूँगा, क्योंकि मैंने डरना नहीं है, मैंने काम करना है, अगर सन भी जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक कारीगर हूँ और मुझे पता है इस कारीगर मैं कारीगर हूँ तो मुझे किस तरह से पल्ला करना है, जाली करनी है और किस तरह से इसकी सफाई देनी है। तो वो काम करते हुए आप ना डरें बिल्कुल भी और बिंदास काम करें, कोई भी काम करना है आपने डर के नहीं करना है अच्छी तरह से। अगर बाई चांस आपको और भी नॉलेज चाहिए इसके अलावा तो आप पीछे पार्ट में चले जाएँ, एक से शुरू है पार्ट हमारा चैप्टर, और अभी ये 10वां चैप्टर है हमारा, तो 10वां चैप्टर हमारा आज ये जाली वाला है,
तो जाली भी मैंने आपको दिखा दी है कैसे इस तरह से करते हैं जाली को। आज देख सकते हो कि मेरी हालत बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है, मैं पसीने पसीना, गर्मी बहुत है और ये वीडियो पूरी ही देखना है, छोड़ना नहीं कहीं पे भी। तो जैसे कि अभी मैं आपको एक शुरू में जो मैंने बात बताई थी वो बतानी बहुत ज़रूरी है, वो बताता हूँ आपको कि जाली अगर हम सामने से देखते हैं इधर से तो हमें दिखती है कि पूरी परफेक्ट हो चुकी है, पर इसको हमने क्या काम करना है, इसके लिए सेट से देखना है कि कहाँ पर रह गई है। इस तरह से चेक करनी है हमने जाली, इस तरह से। तो अभी इधर से मैं देख रहा हूँ तो मेरी जाली सब जगह सब तरफ से कवर हो चुकी है, जगह जगह कहीं पर रह गई है ये देखो, क्योंकि जो कमी दिखती है वो सेट से दिखती है। ये देखिए हल्की हल्की जब दिख रही है मेरे को तो मैंने वो सेट कर दिया है और पकाया कहीं पे भी नहीं रही है, जहाँ जहाँ लग रही है वहाँ पे मैं अभी कर देता हूँ साथ साथ। अब इस करते हैं इसका दूसरा सेट जो है, दूसरी सेट है उसको करते हैं, शुरू करते हैं हम दूसरी तरफ इसको करना। ये देखिए दूसरी तरफ तो बहुत जल्दी हो जाता है, इतना टाइम नहीं लेता क्योंकि दोनों तरफ जाली करनी पड़ती है, तभी हमारे लिए जाली की जो लुक है वही लुक नज़र आएगी, वरना वैसे लुक नज़र नहीं आती जाली की। अगर उधर आपके 10 मिनट लग रहे हैं उधर एक साइड में, तो इधर आप 5 मिनट में काम कर सकते हो, जल्दी हो जाती है इधर से, क्योंकि आधा पेंट जो है जाली का उधर से जब हम करते हैं ठीक से तो आधा पेंट इधर जाली से जाली के बाहर निकल जाता है, तो कुछ जगह होती है जो बच जाती है तो वो जो है आप दोबारा में आप उसे कवर कर सकते हो, तो इसलिए जाली जल्दी होती है। तो गाइस देख सकते हो जाली पूरी फाइनल हो चुकी है और एक एक चीज़ क्लियर इसमें दिख रही है, इसके आप जो आगे वाला दरवाज़ा वो भी आपको दिख रहा है, क्योंकि जाली पूरी तरह से साफ़ हो गई है, क्लियर भी हो गई है। तो जाली करने का तरीका यही है जैसे मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको जाली करनी है। अगर सुराख आपके बंद हैं तार के ब्रश से या कील से, आप उनको सुराखों को खोल लेना जगह जगह जो भी बंद होते हैं। दूसरी बात, ये हमारा 10वां चैप्टर है, तो मिलता हूँ आपको 11वें चैप्टर में उस पर कोई नई तकनीक के साथ। अभी फ़िलहाल में ये हमारा काम हो चुका है।